नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 19,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 18 जून हो चुकी है और 18 जून के साथ साथ में सरकार की जो मॉडिफिकेशन की जो सुनवाई है, उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 19 तारीख को होने की संभावना पूरी पूरी, मतलब 19 जून को होने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि क्लोज लिस्ट जारी हो चुकी है। और आप सभी को बता दें, जो मॉडिफिकेशन की जो याचिका होती है उसकी कोई भी क्लोज लिस्ट जारी नहीं होती है, उसको ऐसे ही सर जजों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और जज उस पर उसको दोबारा से ठीक उसको देखते हैं। और नेक्स्ट जो है कि आपका 51,112 पदों पर बीएड की भर्ती को लेकर भी घमासान मचा हुआ है कि रिप्लाई मॉडिफिकेशन पर होगा निर्णय सुप्रीम कोर्ट और मॉडिफिकेशन सुनवाई, सप्लीमेंट्री क्लोज लिस्ट जारी, स्टे की मांग, भर्ती फंसाते हुए शिक्षा मित्र और शिक्षक भर्ती काउंसलिंग दूसरे मिनट कब। दोस्तों, इन सभी न्यूज़ की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि सरकार के द्वारा कि मॉडिफिकेशन फाइल कोर्ट में सबमिट हो चुकी है और उस फाइल में 4-5 बहुत अच्छी तरीके से इसमें डिस्कस की गई है और उसी के अपोजिट की शिक्षा मित्रों द्वारा एक मॉडिफिकेशन फाइल जो रिप्लाई फाइल भी वो भी जमा की गई है कि जिसमें शिक्षा मित्रों ने उस फाइल को तोड़ मरोड़ कर उसमें प्रस्तुत किया गया है। और सरकार के पास जो भी रिक्त पद हैं उन सभी का जिक्र भी उसमें किया गया है। और आप सभी को पता चलें कि जो सरकार के द्वारा मॉडिफिकेशन जो फाइल प्रस्तुत की गई है कोर्ट में, उससे सरकार का बहुत ही ज़्यादा पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है और धांधली का मुद्दा और स्टे को लेकर शिक्षा मित्र बार बार इसमें प्रयास कर रहे हैं। वो बीएड को अलाउ करने के लिए जो कि 12016/2020 जो रिट है वो भी दायर किया गया कि बीएड को इस भर्ती से बाहर किया जाए और साथ में जो 51,112 पद हैं उनको बीएड से अलग से भर्ती करने के लिए भी इस मॉडिफिकेशन में जो शिक्षा मित्रों के द्वारा फाइल किया गया है उसमें इसको लिस्टेड इसको किया गया है। और आप सभी को बता चलें कि बीएड के पास जो 51,112 पद हैं, जो खाली पद हैं, उनमें अलग से बीएड के लिए भर्ती की भी इसमें मांग की गई है। और दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि इस भर्ती प्रक्रिया पर जो डबल बेंच के आदेश के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी शिक्षा मित्रों के द्वारा स्टे की बार बार मांग की गई है। और नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि उत्तरमाला मुद्दा है, जो कि 12907/2020 का है, उसको भी इसमें मेंशन इसमें किया गया है। और बाकी जो और भी मुद्दा है वो सब न्यायालय में पहले से ही इसमें प्रस्तुत है। तो और आप सभी को बता चलें कि जो अर्चना तिवारी जो ओबीसी का जो मुद्दा है वो भी इसमें इसको मेंशन किया गया है, क्योंकि जो अर्चना तिवारी जो कि जनरल से आती है और उसके साथ में वह 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की सीट पर इसको सेलेक्ट इसमें किया गया है। जो प्रिंट मीडिया द्वारा बार बार उठाए गए मुद्दे हैं उन सभी की कटिंग को भी इस पर इसमें जोड़ा गया है। और आप सभी को बता चलें कि शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग इस भर्ती में 45,000 शिक्षा मित्र हैं कि जो 40-45 तक जनरल और ओबीसी के साथ एससी के साथ में मुश्किल से 45,000 शिक्षा मित्र हैं और 40,000 इस भर्ती में लगभग पास हैं, जो कि 8,018 शिक्षा मित्र इस भर्ती में पहले से ही इसमें वो पास है। और नेक्स्ट आप सभी को बता चलें कि जो सीट आवंटन को लेकर एक फाइल भी हो चुकी है जो कि 16 तारीख में पड़ी। आप देख पा रहे हैं कि 16/6/2020 में यह SLP दाखिल की गई, जिसका जो डायरी नंबर है SLP नंबर है 2333/2020 से संबंधित है, जो 17/6/2020 को यह हुई थी। साथ में जो इसकी जो पहली सुनवाई है वो उसकी 20 तारीख मतलब 20 जून को इसकी होने वाली है, जो कि फ्रेश केस लिस्ट में और जो डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि चंद्रमणि और मायापति जो कि मोस्ट वांटेड हैं, जो इस भर्ती में नकल कराई थी, कि नहीं मिले तो इनामी होंगे चंद्रमणि और मायापति। STF और पुलिस की दबिश जारी, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ। आप सभी को बता दें कि शिक्षक भर्ती मामले में मोस्ट वांटेड चंद्रमणि यादव और मायापति दुबे वह उनके साथियों की तलाश में STF ने बुधवार को
भदोही से लेकर कौशाम्बी तक कई जगहों पर दबिश की। उनके करीबी और रिश्तेदारों और दोस्तों को पकड़कर उनके बारे में हकीकत जानी कि सूत्रों का कहना है कि चंद्रमणि और मायापति दुबे जल्द नहीं मिले तो उन पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। मतलब उनको इनाम की लिस्ट में जारी कर दिया गया और इनाम के साधन जो भी इन बंदों का दोनों का पता देगा उनको इनाम इसमें दिया जाएगा। जो और वहीं एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आ रही कि संगीत शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन, जो कि कुछ टीचरों पर डाउट लग रहा था। ऐसे टीचरों पर जो डाउट लगा उनको उनके कागजों का सत्यापन फिर से दोबारा से होगा। जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी पल पल की अपडेट होती है वो हम आपके सामने अवश्य लेकर आते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।